हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर कलाकर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज का वीडियो एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जी हाँ, एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। अगर आपके घर में बहुत सालों से या बहुत दिनों से आपका पीसी अगर बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पर उस पीसी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा या मेमोरीज है जो आपको रिकवर करनी है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस डेटा या मेमोरीज को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आज हम वही देखने वाले हैं। सो मेरा पीसी भी बहुत सालों से बंद था, पर मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उसमें है जो मुझे रिकवर करना है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे हाथ एक प्रोडक्ट लगा है। आपके पीसी का डेटा कहाँ पे सेव होता है? जी हाँ, सीपीयू के अंदर एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है जिसमें आपका सारा डेटा सेव होता है। अगर मैं आपको कहूँ वो इंटरनल हार्ड डिस्क को अगर हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट कर दे तो कैसा होगा? बढ़िया ना। वही आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले कि इंटरनल पीसी के हार्ड डिस्क को हम कन्वर्ट करने वाले एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। तो चलिए देखते हैं, पहले तो सीपीयू के अंदर का हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं। ओके सर, ये रहा हमारा पीसी, इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर का हार्ड डिस्क हम निकाल लेंगे। तो इसको खोलने के लिए हमें कुछ ऐसे औजार चाहिए जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। तो चलिए इस पीसी को खोलते हैं और इसके अंदर का हार्ड डिस्क पहले निकाल लेते हैं। डिस्क है ये हमको निकालना है। तो इसके हम पहले ये केबल्स है, इसको साटा केबल बोलते हैं। ये मेन कनेक्शंस होते हैं इस हार्ड डिस्क के जो हम एक्सटर्नली नहीं लगा सकते इसको। ये मेन पावर सप्लाई जो यहाँ पे है इसका, ये मेन केबल है। ये हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी लगता है। ओके, तो ये निकालने के लिए ये नट्स भी खोलने पड़ेंगे। खोल लेता हूँ। ओके, सो अभी ये नट्स खोलने के बाद ये निकाल अपना हार्ड डिस्क। सो ये मेरे ख्याल से बहुत धूल बैठा है उसके ऊपर। सो ये जुलाई 2012 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, नया ही। ये इसका सर्किट है यहाँ का जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ओके, सो अपना मेन चीज़ हमको मिल चुका है। अरे ये बाल बहुत परेशान कर रहे हैं यार, ये लॉकडाउन के वजह से बाल काटने ही नहीं मिल रहे, कहीं पे भी सलून चालू नहीं है। सो घर पे भी नहीं काट सकते और रिस्क नहीं लेना है मुझे। सो अपनी घर की खेती है, कभी भी उगाओ कभी भी काटो। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसको। ओके, तो इसको लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए जो अभी हम अनबॉक्स करेंगे। तो पहले तो इसको साइड में रखते हैं, ये मेन चीज़ है अपना, ये बाकी सब तामझाम हटा देते हैं हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अपने पास ये डब्बा है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। इसके अंदर वो प्रोडक्ट है जो अपने ये हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेगा। सो चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये है क्या। तो ये टेराबाइट कंपनी का एक 2-in-1 USB 2.0 का एक केस है जिसमें आप इस तरह की हार्ड डिस्क अंदर माउंट कर सकते हो और लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर सकते हो और आपका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको भी, ये डब्बे को भी खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ओके, तो सबसे पहले ये मेन डिवाइस, इसको हम रखते हैं जरा साइड में, और क्या क्या है। ओके,
ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि अपने पीसी में ये हार्ड डिस्क का एक केबल पावर सप्लाई में अटैच था। जी हाँ, यहाँ का केबल पावर सप्लाई के लिए। इस हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, तो इसी के वजह से इस प्रोडक्ट के साथ एक पावर अडैप्टर भी आता है और एक USB केबल जो यहाँ से इस डिवाइस को कनेक्ट करेगी, और ये USB पोर्ट जो आपके लैपटॉप या PC में कनेक्ट होगा। तो चलिए ये डब्बे को रखते हैं साइड में, अभी हम देखते हैं कि इसको अटैच कैसे करते हैं। ओके, तो ये अभी अपने पास ये केस है, तो इस ये केस को अभी हम यहाँ से ऐसे स्लाइडिंग ओपन होता है, ये बहुत थोड़ा हार्ड है, मजबूत बना हुआ तो प्लास्टिक से है पर क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। देखते हैं इसको, अबे खुल जा। क्या इसको खोलने के लिए विनोद को बुलाए? दिख तो रहा है यहाँ से खुलते हुए। हाँ अभी खुला 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 खुला। ये देखो, ये ऐसे स्लाइड होके ये अंदर, ये जो कनेक्शंस मैंने आपको दिखाए कि इसके अंदर जो पीसी के अंदर जो सेटा केबल्स लगे हुए थे, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे पावर केबल लगा था, तो उसी का कनेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे ये सेटा का कनेक्शन आएगा, यहाँ पे ये पावर सप्लाई आएगा। पावर सप्लाई के लिए हम ये अडैप्टर यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी इसको माउंट कैसे करना है? तो कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ये अपना हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क लेना है, इसको यहाँ पे अंदर ऐसे ऐसे यहाँ पे ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पे ऐसे परफेक्टली मैच करके इसको जस्ट अंदर स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे जो सेटा केबल और पावर सप्लाई का जो कनेक्शंस है वो इसके अंदर फिक्स हो जाता है कम्प्लीटली, और ये इसका कवर ऊपर से। यस, तो अभी अपना ये सेट पूरा रेडी हो चुका है, अपनी हार्ड डिस्क इस केस में लग चुकी है। अभी कोई नहीं, तो अपने पास सिंपल सी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे जो मेन ये USB का केबल था, ये इसका कनेक्शन, ये साइड वाला कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे पावर सप्लाई का DC का एक चार्जर है, उसका ये पिन कनेक्शन यहाँ पे है, और ये सिंपल ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अभी तक तो अपना एक्सपेरिमेंट बहुत ही फ्लो में जा रहा है, सब चीज़ें अच्छी तरीके से हो चुकी है, अपना ये डिवाइस भी अभी रेडी हो चुका है, जिसको अब हम लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे कि अपना डेटा रिकवर होता है कि नहीं। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखते हैं। ओके, सो हम अभी अपने लैपटॉप के सेटअप के साथ रेडी है। ये हमारा डिवाइस, वो चार्जर जो मैंने आपको दिखाया, वो अभी इसका ये जो पॉइंट है ये इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे LED लाइट्स जल चुकी है इसकी, और ये जो हमारा USB का केबल था, अरे फोकस, हाँ, तो ये जो हमारा USB का केबल था ये साइड लैपटॉप के यहाँ जाएगा USB के साइड में, और ये यहाँ पे लगा देंगे। ये पिन लग चुका है, ये पिन लग चुका है, हमारा पावर भी अच्छा, ये जो स्विच बटन था यहाँ पे, एक मिनट में आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ये जो स्विच बटन था यहाँ पे, ये ऑफ करने के बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो चुकी है, ये जैसे ही ऑन करने के बाद हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, इसकी लाइट्स चालू हो चुकी है। सो अब है रिजल्ट की तैयारी, देखते हैं ये जो डिवाइस हमने ख़रीदा है या ये जो सेटअप हम लोग ने किया है ये वाकई में काम करता है कि नहीं। वैसे इंटरनेट पे तो बहुत सारे वीडियोस सक्सेसफुल रहे, मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा इसमें, अगर ये चीज़ काम कर गई
तो बहुत ही कमाल का काम हो जाएगा। तो विनोद का नाम लेते हुए हम इस पिन को मेरे लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद कुछ हुआ तो सही, ये क्या आया? यस, ये देखो ये फोल्डर आया, बाकी दो एमडी थे सी। ये खोल के देखता हूँ इसमें वाकई मेरा डेटा है कि नहीं। फोल्डर इज एम्प्टी, क्या बात कर रहे हैं। अरे ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया है। वेट, कुछ तो होगा। नहीं यार, शायद से मेरा पीसी मैंने फॉर्मेट किया था या कुछ तो हुआ था, वो पीसी में कुछ तो गड़बड़ था, इसके वजह से सारी ड्राइव्स हमारी फॉर्मेटेड है। पर कोई नहीं, हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कैसे कन्वर्ट कर सकते। मैं ये ऐसे लेके भी घूम सकता हूँ, ये थोड़ा हैवी है पर पोर्टेबल 4-5 हज़ार के हार्ड ड्राइव्स लेने से अच्छा, ये देखो ना कम से कम 500 GB का मेरे को स्टोरेज मिल रहा है, 500 GB में इसमें स्टोर कर सकता हूँ डेटा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना।